नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में मंगलवार को क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, ये निफ्टी का वन डे का चार्ट मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है। इससे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख रहे थे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एस जी एस निफ्टी देखोगे तो मामूली 7 पॉइंट माइनस दिख रहा है, और यू एस फ्यूचर आप देखोगे तो वो माइनस 39 पॉइंट दिखा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे, और डेक्स माइनस दिख रहा है 33,343। तो अभी एस जी एस निफ्टी और डाउन जोन्स के हिसाब से हमें फ्लैट ओपनिंग होगी ऐसा हमें दिख रहा है, लेकिन ये फाइनल नहीं रहेगा हमारा। ये कल सुबह में उसका क्या सिग्नल बन रहा है उसके ऊपर हम ओपन होंगे, गैप अप या गैप डाउन। तो आइए देखते हैं निफ्टी के वन डे के चार्ट में फ्रेंड्स क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक करोगे कि निफ्टी का थ्रेडिंग व्यू में मैंने वन डे का चार्ट लगाया हुआ है। आप यहाँ पर चेक करोगे कि आज उसने एक फुल ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, और आज का हाई मारा है उसने 17,683, और आज का लो है फ्रेंड्स 17,540। ओके, तो अभी निफ्टी के लिए उसका रेजिस्टेंस आएगा फ्रेंड्स, ये जो कैंडल दिखाई दे रही है हमें, ये उसका हाई रहेगा 17,760, ये उसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको निकाला फ्रेंड्स वन डे के चार्ट में तो इसका टारगेट आने वाला है 17,950 के करीब, उसका टारगेट आ सकता है निफ्टी 50 में। तो आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में निफ्टी 50 में क्या हो सकता है इंट्राडे के लिए, टुमारो के लिए मंगलवार को। फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है, और 15 मिनट की चार्ट में मैंने ये सारे लेवल पहले से मार्क करके रखा हुआ है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चेक करोगे तो हम हर बार नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने आज भी ड्रॉ किया हुआ है रेक्टेंगल पैटर्न। निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 17,605 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है, और 17,683 से लेके 17,630 यानी इस जोन में ओपन होता है। इस जोन में ओपन होने के बाद अगर अपसाइड में ब्रेक होता है फ्रेंड 17,683, तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 17,727, और दूसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 17,755 ये वाला। ओके, और दूसरा टारगेट फ्रेंड्स अगर डाउन की साइड में 17,630 ब्रेक होता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 17,594, और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में 17,527। अगर फ्रेंड्स अगर निफ्टी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमें कुछ टाइम तक प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। हो सकता है ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए तो वहाँ पर हम एक हैमर कैंडल बनने का वेट करेंगे, उसके बाद हमें ट्रेड लेंगे, या फिर कुछ प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। हो सकता है यहाँ पे ओपन हो जाए तो ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद जिस तरफ ब्रेक करेगा हम उस टाइम कॉल या बॉन्ड को बाय कर सकते हैं। वैसे ही फ्रेंड्स अगर ज़्यादा गैप ओपन हो सकता है, समझो कि इस लेवल में गैप ओपन होता है तो वहाँ पर हम कोई शूटिंग स्टार के अंदर बनने का वेट करेंगे, और उसी शूटिंग स्टार के अंदर का लो को ब्रेक करेगा तो उसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे पुट कॉल बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल या पुट, सॉरी कॉल नहीं, पुट बाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर कुछ सेटअप भी दिखाया हुआ है, वो सेटअप पर आप काम करोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। हो सकता है पहले पेपर ट्रेडिंग करो, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इस सेटअप से मुझे बेनिफिट होता है तभी आप उसमें रियल में ट्रेडिंग करना। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये उसका रजिस्ट्रेशन जोन था, ये स्कैंडल का हाई था 39,760 के करीब उसका हाई था, और उसने आज हाई मारा है 39,865, और उसका क्लोजिंग हुआ है 39,805 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये एक ब्रेकआउट जैसा हम समझ सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो आइए देखते हैं वन डे के चार्ट में वो कहाँ तक जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर उसने अच्छे हाई को निकाला यानी 39,865, अगर 39,900 को निकाला तो उसका बड़ा टारगेट आ सकता है पहले 40,150, और दूसरा टारगेट की तरफ जा सकता है जो टारगेट रहेगा 40,941 की तरफ, ये वन डे के चार्ट में है फ्रेंड्स। तो 15 मिनट की चार्ट में फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे तो मैंने यहाँ से पहले से लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है जो मैं आपको अभी समझा लेता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से आप चेक करोगे कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वो बार बार ले रहा है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी। ओके, यहाँ पे, और हमारा कल के लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा फ्रेंड्स 39,865 से लेके 39,671,
क्योंकि बैंक का क्लोजिंग हुआ है 39,21,805 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद फ्रेंड्स अगर ये ब्रेक करता है 39,165 तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 40,100 और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 40,235। और अगर डाउन के साइड में अगर ब्रेक होता है 39,671 तो उसका पहला टारगेट आ सकता है 39,542 और दूसरा टारगेट आ सकता है 39,400 के करीब। वो बैंक भी डाउन के साइड में जा सकता है, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ अपसाइड पर भी और डाउन के साइड पर भी, तो हो सकता है कल ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन पर ओपन कर सकता है ये बैंक निफ्टी। अगर जिस तरफ ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद हमें कुछ टाइम का प्राइस एक्शन बनने का वेट करने के उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।